So hello guys, what's up? Welcome to a new video. So another video with another Champions League night. We have two powerful matches. Sevilla versus Borussia Dortmund or Porto versus Juventus. काफी अच्छे matches दो. और La Liga के तो पता नहीं वाट लगी पड़ी अलग अलग teams की तो. Sevilla की भी अपने home में लग गई. लेकिन उतनी बुरी तो नहीं लगी जितनी Barcelona के लगी थी. दो तीन हैं. टू गोल्स मारे हैं सेवेला ने, तीन मारे हैं उन्होंने, तीन गोल एडवांटेज है. लेकिन भाई ये दो गोल उन्होंने मारे हैं तो इट विल बी अ फेयर चांस इन सेकेंड हाफ, सेकेंड लेग में, सॉरी सेकेंड लेग में काफ़ी अच्छा एक चांस है, नो डाउट. ठीक है ना, बाकी पहले बात की जाए पोर्टो वर्सेस जुवेंटस की. ठीक है, पोर्टो जुवेंटस स्टार्टिंग में लग रहा था कि जुवेंटस इट विल बी ए इजी जॉब फॉर जुवेंटस, बट ऐसा हुआ नहीं. पोर्टो अपने होम में काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस, काफ़ी डिफेंसिवली अटैकली अटैकिंग में, देन मिड के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई पोर्टो विद द कैप्टनशिप ऑफ कैप्टनशिप और लीडरशिप बोल सकते हैं ऑफ पेपे, एक्स मैड्रिड का जो थे उन्होंने एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है. और वो लग ही नहीं रहा 37 ईयर ओल्ड के हैं तो लग ही नहीं रहा था 37 ईयर ओल्ड के, मतलब पेपे भाई सब खेल रहे हैं. तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस विद विद अटैक ऑफ मौसा मारेगा, मेहदी तैरेमी, ठीक है ना, इन मिड के अंदर, इन मिड के अंदर मैटियोस ओरिबे, सर्जियो ओलिवेरा, है ना, और बैक के अंदर मेवाबा, है ना, मेवाबा और पेपे बैक के अंदर थे. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. ठीक है, पहला गोल ऑफ काफ़ी अच्छा, मिस्टेक्स ऑफ सेजनी, मतलब किया सेजनी ने, मतलब हुआ मिस्टेक, ठीक है, वही और ओवर कॉन्फिडेंस में या बोल सकते हो या तो एक चलो बैड डे होता है गोल कीपर का, तो वही हुआ, एक ईजी गोल उन्हें मतलब दाना दे दिया, लो भैया ले लो, इजी मिस्टेक हुई और उन्होंने मेरी तैयारी में गोल मार दिया फर्स्ट मिनट के अंदर ही. और अगर फर्स्ट मिनट के अंदर ही गोल मिल जाता है तो ऑब्वियस है यार, वो टीम के अंदर एक फुल एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भैया हम कर सकते हैं. तो वही हुआ, फिर वो 45 मिनट के आते आते ही दूसरा गोल भाई मौसा मारेगा ना, हम ही मारेगा है. तो बंदे ने मार ही दिया, नो डाउट. तो अब और बात करते हैं जुवेंटस प्लेयर के बारे में. जुवेंटस प्लेयर फुली ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी, है ना, सेजनी भी कुछ खास नहीं कर पाया, मतलब स्टार्टिंग गोल आराम से रोक सकता था वो, देन बैक के अंदर डेलेग अपना, देन जॉर्जियो चेलिनी हो गया, देन डेनिलो, देन एलेक्सेंड्रो, ठीक है, बाकी मिड के अंदर ओनली रेबियो और चीज़ा जो संभाल रहे थे बस, ठीक है ना, और बस उन्हें मेन है कि और रोनाल्डो अनदर नाइट ऑफ अनदर क्वाइट नाइट लाइक मेसी, ठीक है ना, उनका भी सेम वही हाल हुआ जो मेसी का हुआ है, कुछ खास नहीं कर पाए, मतलब वही ना बॉल उनको मिल रही थी, रोनाल्डो को बॉल मिलती अगर तो वो इट विल बी ए गुड, वो बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं यूसीएल का, किंग ऑफ द यूसीएल. तो वही बात है, अगर उन्हें अगर उसे बॉल नहीं दोगे आप तो गोल नहीं होगा, सीधी बात है, पॉइंट नहीं है ये ना, वो मतलब एक ड्रिबलर नहीं है, वो नहीं है एक प्रॉपर एक बेस्ट फॉरवर्ड कह सकते, सेकंड फॉरवर्ड ऐसे खेलते हैं, खेल सकते हैं, पहले स्टार्टिंग विंगर थे और सेकंड फॉरवर्ड खेलते हैं, तो मतलब एक बात है कि वो बेस्ट फिनिशर, उसे बॉल दोगे तो फिनिश करेंगे, फिनिश अगर बॉल ही नहीं दोगे तो फिनिश क्या होगा, ठीक है ना. तो वही बात है, बाकी स्टार्टिंग में मिड के अंदर बस ही रेबियो अपना और डिफेंस में एलेक्सेंड्रो बढ़िया खेला, सेंड्रो नहीं होता तो और गोल हो सकते थे उनके, कह सकते हैं. और सबसे बुरी बात हुई ये चेलिनी जो है इंजर्ड हुआ है 35 मिनट के अंदर इंजर्ड हुआ है. तो अब देखो सेकंड लेग है, देन उसके बाद सीरी आए हैं, लेकिन अभी यही बात है कि जुवेंटस के तो और एक गोल चेजी का जो पड़ा है सेकंड हाफ में, ठीक है, तो उसका डिस्टाइज जो है अपना विल बैलेंस है हमारा अभी, ठीक है ना, तो कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है ना. बाकी अपना रोनाल्डो तो भाई साहब खून लग जाता है था ए फर्स्ट लेग में, दूसरे लेग में तो पेलते ही हैं जाके, याद है ना एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2-0 से भाई साहब पेल गए थे उन एथलेटिको के होम में, ठीक है ना, लेकिन अपने होम में जाके वो भाई साहब हैट्रिक मार दी थी. तो वही ये बात है. तो जुवेंटस के होम में तो इट विल बी एडवांटेज ऑफ वन अवे गोल है तो बूस्ट है भैया, पूरा बूस्ट है, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है. तो देखते हैं, लेकिन चेलनी की एक इंजरी हुई है तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, होपफुली ज़्यादा सीरियस ना हो कोई, किसी प्लेयर के लिए भी भैया राइवलरी हो चाहे कुछ हो, किसी प्लेयर के लिए भी कोई इंजर्ड होता है तो ऑब्वियस है बुरा लगता ही है ना. तो ठीक है, फिर ये हुई अभी पोर्टो जुवेंटस की बात है, ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है सेकंड लेग के अंदर. अपना तो भैया अपने तो होप अपना तो भैया छोड़ चुकी है बार्सिलोना वालों ने, तो ठीक है जुवेंटस का तो अभी 2-1 है तो होप है, नो डाउट होप है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, लेकिन अपने होम है अगला तो अपने होम में तो भैया ले लेंगे वो कह के ले लेंगे, ठीक है ना. तो फिर ठीक है, फिर गुड नाइट फॉर जुवेंटस फैन. काश हम भी ये कह सकते हैं गुड नाइट फॉर बार्सिलोना फैन, लेकिन अफसोस. चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक चैंपियंस लीग का मैच, चैंपियंस लीग का वेट होता रहता है यार, कब आएगा कब आएगा.
बहुत अच्छे, मतलब सही है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।